चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए थोड़ा से इधर है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, देखिए इसमें हम सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, बस इसमें कैसे सर्किट सोल्व होते हैं, जो आपके डिवाइसेस होते हैं उनके जो सर्किट बनते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसमें हम फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि क्या फिजिक्स क्या है, सर्किट के अंदर का प्रोसेस क्या है वो नहीं पढ़ने वाले, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में है। जो डिवाइसेस आपका एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आप वो चीज़ पढ़ोगे। बट यहाँ पे हम सिर्फ सर्किट सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे डायोड के सर्किट सोल्व होते हैं, कैसे बीजेपी के, कैसे मॉसफेट के, कैसे ओपेस एम्पलीफायर सोल्व होते हैं, ठीक है। इसका जो फिजिक्स है सर्किट्स की, डिवाइसेस की, डायोड के अंदर क्या चल रहा है, मॉसफेट के अंदर क्या चल रहा है, वो सब हम डिवाइसेस में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के गेट के सिलेबस में नहीं है वो चीज़, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में है, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों के लिए अगर आप पढ़ना चाहें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ईएस में पूछते हैं फिर वो, ठीक है, ईएस में आ जाती है वो चीज़, तो पढ़ना चाहें तो वो बाद में हम कराएंगे, पहले तो सर्किट हम सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बता दूँ चैप्टर कैसे हैं, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे डायोड सर्किट्स, दूसरा है आपका बीजेटी बायसिंग एंड एम्पलीफिकेशन, बायसिंग एंड एम्पलीफिकेशन, बीजेटी बायसिंग एंड एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट है आपका मॉसफेट, अगेन बायसिंग एंड एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन है बायसिंग एंड एम्पलीफिकेशन, मॉसफेट एंड जेफेट दोनों एक साथ आएंगे, मॉसफेट जेफेट एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, उसके बाद आपका है ऑसिलेटर, फिल्टर, और लास्ट जो है वो है वेवफॉर्म जनरेशन, समथिंग लाइक वेवफॉर्म। वेवफॉर्म जनरेशन ये लास्ट आएगा, ठीक है, तो इन सबको देखना आप देखो, टोटल सात चैप्टर्स है। मैं बता दूं आपको ये इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का सिर्फ इतना पार्ट है, आप ये भी छोड़ सकते हो इलेक्ट्रिकल वाले, गेट में ज़्यादा नहीं गुजरा था आपके, केवल ये तीन टॉपिक को जाते हैं डायोड बीजेटी ओपन, ठीक है। वैसे मैं तो कहता हूँ पूरा करो, अगर आप समझना चाहते हो तो पूरा समझे इसको, ठीक है, हालांकि इसके बाद भी ख़त्म नहीं होता सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है, ठीक है, और भी है बहुत सारे, बट मैं यहाँ तक ये सब चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर लिखे डायोड सर्किट्स, पहला चैप्टर है डायोड सर्किट्स। हर एक सब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो यहाँ पे आगे रुक जाएगी, ठीक है। जैसे लास्ट स्टेप कंट्रोल होता है, और उससे पहले डिजाइनिंग का पार्ट होता है, हमें बनाने होते हैं सर्किट्स, तो वो यहाँ पे आगे वो इस सब्जेक्ट में आप सीखोगे कि कैसे सर्किट्स बनते हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। बट इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कंट्रोल सिस्टम भी यूज होगा, नेटवर्क थ्योरी भी यूज होगी, तो आप मेक श्योर कि उनको स्ट्रॉन्ग करें। नेटवर्क थ्योरी में मैं आपको बता दूं, नेटवर्क थ्योरी में नेटवर्क थ्योरम्स तक आप उसको तैयार कीजिएगा, ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है पब्लिक है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स तक इसका यूज़ होगा। बट फिलहाल नेटवर्क थ्योरम पे नहीं जाएंगे हम लोग, फिलहाल तो क्योंकि आपका नोडल और केवीएल केसीएल आता है तो भी चल जाएगा काम, बट जैसे बीजेटी स्टार्ट होगा आपको नेटवर्क थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी, तो तब तक आप ऐसा कर लीजिए कि नेटवर्क थ्योरम्स को तैयार करके रखें, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिक है। दूसरा एक और सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और वो है कंट्रोल सिस्टम, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो चैप्टर था
बोर्ड प्लॉट एंड ऑल दैट, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो सब जो था, बैंडविड्थ कट ऑफ, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कंट्रोल की भी इसमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी जरूरत आपको नेटवर्क की पड़ेगी, फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सिग्नल सिस्टम में फोरियर सीरीज, उसका भी बेसिक कंसेप्ट आएंगे, ठीक है, तो वो भी आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आप ये तीन चार टॉपिक आप लिख लेना जिसकी जरूरत है, और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको आते हैं, ठीक है, हालांकि बीच बीच में रेफरेंस देता रहूँगा, ठीक है, जहाँ पर उनकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, बट फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको काफ़ी कुछ आता होगा। तो आप तैयार कर लें फोर ईयर सीरीज, जो सिग्नल एंड सिस्टम में पब्लिक किया हुआ हमने, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा नेटवर्क थ्योरम्स तक आपका, नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मोड एंड ऑल दैट, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले डायोड सर्किट, तो सबसे पहले हमें डायोड को समझना पड़ेगा। डायोड क्या होता है? एक पीएन जंक्शन होता है, डायोड एक पीएन जंक्शन होता है। अब ये पी क्या होता है, एन क्या होता है, ये भी जरा देखते हैं। और इसका नोटेशन ये होता है, डायोड का ये होता है नोटेशन, इधर होता है पी, इधर होता है एन, ठीक है, या इधर आप एनोड बोल दो, इसको आप एनोड बोल दो, और इसको कैथोड, कैथोड को सी से लिख रहा हूँ मैं, के से लिख रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है, ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायोड। अब ये पीएन जंक्शन क्या चीज है, इसको जरा देखो। देखो आपने पढ़ा होगा कंडक्टर के बारे में, दूसरा आपने इंसुलेटर पढ़े होंगे, और एक और चीज है क्या, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे जो भी हम डायोड बीजेटी या मॉसफेट जितने भी हैं सब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सब सेमी कंडक्टर से मटेरियल से मिलकर बनते हैं। तो मुझे बताइए सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, बताएंगे, बोलो भाई। देखो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है पर सेंटीमीटर की वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और इनकी इंटरमीडिएट होती है, इनके बीच में होती है, इसका मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इनके बीच में लाई करती है, ठीक है। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जनरली ग्रुप फोर में मिलते हैं, ग्रुप फोर में आपके ये सब होते हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे वो कार्बन वाली टेबल है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, ग्रुप फोर, ठीक है, तो मैंने गलत लिख दिया, क्या ग्रुप 14 है वो, ठीक है, वो तो ठीक है, 14 तो एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है, सिलिकॉन का होता है वो भी, ये मैंने ठीक लिखा है, ग्रुप फोर, ठीक है, ग्रुप फोर में मिलते हैं आप देखिएगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, और भी है नीचे, तो इतने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आपने को तीन पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरा जरा देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर में आप एक एनर्जी बैंड से भी देखते थे, ठीक है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, मतलब ओवरलैप कर जाते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता। इंसुलेटर में क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है, और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, आप ही कह सकते हो। तो कुल मिला के सेमीकंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं, ग्रुप नंबर फोर, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, ये हम देखेंगे, कार्बन सेमीकंडक्टर हम नहीं मानते, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनसे बनते हैं। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से जो एलिमेंट जो हम बनाते हैं वो सारे, ये जो डायोड हो गए, बीजेटी हो गए, जितने भी है सब इन्हीं से बनाते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, जरा देखिए कैसे। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं वो हमारे पास दो तरह के होंगे, एक होंगे इंट्रिंसिक और एक होंगे एक्सट्रिंसिक, एक होते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं ज्यादा फिजिक्स नहीं समझाऊंगा इसमें आपको, फिजिक्स के लिए आपको डिवाइसेस पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम अगले मॉड्यूल में करवाएंगे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ठीक है भाई, दो तरह का होता है,
अभी इंट्रेंसिक क्या होता है बताएंगे? इंट्रेंसिक का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसमें ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें इंप्योरिटी हमने नहीं डाली, ठीक है, उसको इंट्रेंसिक बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल आप कह सकते हो, ठीक है, प्योर सिलिकॉन, इसमें कोई और डोपिंग नहीं है, वही उसमें इंप्योरिटी हमने नहीं डाली है, उसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रेंसिक का मतलब क्या होता है, जिसमें डोपिंग होती है, ठीक है। अब फर्दर ये दो टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, एक होता है पी टाइप एक होता है एन टाइप एक्सट्रेंसिक, ठीक है भी? तो मैंने बोला जो हमारा सेमीकंडक्टर था वो दो तरह का था, एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक, ठीक है। इंट्रेंसिक का मतलब है कोई इंप्योरिटी नहीं, नो इंप्योरिटी, ठीक है, प्योर क्रिस्टल होगा ये सिलिकॉन का, ठीक है। और एक्सट्रेंसिक में क्या होता है, दो तरह का होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। जरा देखते हैं कैसे पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली डोपिंग डाली हमने, वो कैसे बनाते हैं वो जरा देखते हैं। सबसे पहले मुझे, मैं सिलिकॉन के बारे में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, रखता हूँ। देखिए सिलिकॉन के बारे में देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। अगर मैं इसको लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। तो आउटरमोस्ट सेल के अंदर कितने बता दे रहा, चार फ्री। इसका मतलब आप ये कह सकते हो सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है, सिलिकॉन के पास चार। तो ये चार के साथ इसको आठ चाहिए ना स्टेबलाइज करने के लिए, आठ चाहिए। अब इसको चार एक्स्ट्रा और चाहिए इलेक्ट्रॉन, सो दैट आउटरमोस्ट सेल में आठ हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे बनाएगा, चार और कहां से लेके आएगा, जो क्रिस्टल बनेगा उसमें और भी सिलिकॉन आएंगे। अब दूसरा जो सिलिकॉन है उसके साथ भी चार ही तो एप्स है, उसको भी तो चार चाहिए। तो अब ये चार सिलिकॉन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, कैसे, जरा देखिए। पहले तो इसका मैं क्रिस्टल, इसका स्ट्रक्चर में बता दूँ किस तरह का होता है सिलिकॉन का, थोड़ा सा देखिए किस तरह का इसका 3D व्यू कैसा होता है। इसका एक सेल का मैं वो बना रहा हूँ, एटोमिक सेल दिखा रहा हूँ आपको। इसका क्रिस्टल होता है डायमंड शेप होता है, ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा मैं उसका आइडिया दे दूं आपको, देखिए। हाँ, और कैसे बॉन्डिंग बनाता है ये भी मैं बता दूंगा। देखिए जो मेरा क्रिस्टल आइटम है वो एक तो इसके कॉर्नर पे होता है, इनके कॉर्नर पे होता है, ठीक है। मैं एक ही कॉर्नर दिखा रहा हूं, मेरे काम का सिर्फ एक ही, तो कॉर्नर पे रखा होता है, जितने भी कॉर्नर है सब पे एक एक आप रखो, ठीक है। दूसरा बॉडी फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर, फेस सेंटर पे होगा, ठीक है। ये फ्रंट फेस का सेंटर है, ये ऊपर वाले का, नीचे वाले का, इधर इधर और पीछे वाले का इधर है। फेस सेंटर पे एक एक आइटम रखा हुआ है, और एक आइटम कहाँ रखा हुआ है, यहां से आप a/4 आ जाओ, यहां से आप a/4 आ जाओ। अगर टोटल लेंथ ये a है मान लीजिए, अगर मैं टोटल लेंथ इसको a बोल दूं, यहां से आप a/4 आ जाओ इधर, फिर a/4 आ जाओ इधर, और फिर a/4 ऊपर आ जाओ, ठीक है। यहां पे एक आइटम और रखा, ऐसे हर कॉर्नर पे ऐसा है, हर कॉर्नर पे ऐसा ही, तो मैंने एक कॉर्नर के साथ दिया। अब सुनो, ये जो एटम है ये अब अपने साइड में जो चार एटम होंगे उनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। अब कौन कौन से चार है बताओ, इसके पास में जो चार है कौन कौन से, एक तो कॉर्नर वाला, भाई देखो ना यहाँ से a/4 इधर आया, a/4 इधर, a/4 इधर, ये। अब इसके सबसे पास में चार कौन से, एक तो ये वाला, एक वो बॉडी सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, सॉरी एक इधर वाला फेस सेंटर और एक सामने वाला फेस सेंटर। तो ऐसे चार के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, ऐसे चार के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा।
तो एक सिलिकन का जो आइटम है वो फर्दर चार सिलिकन के आइटम के साथ कोटिंग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसके पास में सबसे पास में यही लाइट आते हैं इनके साथ, ऐसे हर कॉर्नर पे होगा। तो मैं इसको हर बार 3D में नहीं दिखा सकता, मैं इसका एक सिंपल सा 2D डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, जरा देखिए, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ये इस तरह से बना सकता हूँ। एक सिंपल सा तरीका है, ऐसे लाइनिंग सी लगा लो, 2D डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, मान लीजिए सिलिकन आइटम है, तो इसके साइड में ये हर कॉर्नर पे, हर क्रॉसिंग पॉइंट पे एक सिलिकन आइटम बैठा है, हर क्रॉसिंग पॉइंट पे एक सिलिकन आइटम बैठा है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ ये सिलिकन आइटम जो है ये चार के साथ फर्दर बोनिंग बना, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, समझ आ गई, चार। तो एक सिलिकन आइटम जो है वो साइड के सराउंडिंग के चार के साथ करता है, ऐसे अगला सिलिकन, ये जो सिलिकन है ये भी चार के साथ बनाएगा। तो इस तरह हमारा सिलिकन का क्रिस्टल तैयार हुआ है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्यों भाई इंट्रेंसिक क्यों बोला, इंट्रेंसिक कैटेगरी में क्यों आ गए, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई हमने डोपिंग नहीं किया, आप समझे, तो इसलिए इसको हम इंट्रेंसिक की कैटेगरी में रखते हैं। समझ आया भाई, तो मैंने बताया कि किस तरह का इसका 3D व्यू कैसा होता है। और अब सुनिए, इसकी एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है अंदर की, क्योंकि अंदर मटेरियल बदल गया, वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, तो अंदर की एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जिसको जिसको मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन आर। ठीक है, और उसकी वाली कितनी होती है बताएंगे, 11.8 होती है, भूल गया हूँ कितना होते है? याद है किसी को, इतनी है सिलिकन, सिलिकन की रिलेटिव परमिटिविटी एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, आई थिंक इतनी है 11.8। ठीक है, आप देख लेना। तो बेसिकली मैंने बोला कि किस तरह का सिलिकन क्रिस्टल होता है, एक सिलिकन चार के साथ बॉन्डिंग बना। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया कि किस तरह का होता है। अब जरा देखिए, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इसके सारे बॉन्ड बने हुए होते हैं, कोई टूटता नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल्स नहीं है। ठीक है, एट जीरो केल्विन पे कुछ नहीं है अभी। अब अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं जीरो केल्विन से 298 केल्विन तक ले आया, 298 केल्विन का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन का मतलब है रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जीरो केल्विन से 298 पे ले आया, या फिर चलो 298 पे मत लेके आओ, आप टेम्परेचर को जस्ट बढ़ाना शुरू करो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो दो एटम बने हुए, दो बॉन्ड बने हुए दो एटम के बीच, ठीक है, उन एनर्जी उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी मिलती है और उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो एटम होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और वाइब्रेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक पॉइंट पे आगे, एक टेम्परेचर पे आगे, कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है, जो बॉन्ड बना हुआ था इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया और वो फ्री हो और बॉन्ड आपका ब्रेक हो, समझ आ गई, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री होगा तभी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, अदरवाइज बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और उसकी जगह एक खाली जगह हो जाएगी, होल, थर्मल एजिटेशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो इसमें ऐसा ही होता है, इंट्रिंसिक में इस तरह से आपके जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में जनरेट होंगे, समझ आया, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में आपके बनेंगे, इसको जनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में बनेंगे। ठीक है जी, इस तरह का प्रोसेस चलेगा। तो एट रूम टेम्परेचर अगर मैं कोई सिलिकन क्रिस्टल को ले आऊँ, एट रूम टेम्परेचर सिलिकन क्रिस्टल को ले आऊँ, तो आप उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पाओगे। ठीक है, जैसे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं आपके, तो उनमें क्या होगा, अगर इंट्रिंसिक है सिलिकन का, तो उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आपके होल्स आपको मिलेंगे। चलिए, इस सब्जेक्ट में थोड़ा प्रोजेक्शन का भी मैं प्रोजेक्टर का भी यूज करूंगा, अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए जरूरी है, वो आगे देखेंगे। बट तो मैंने बताया कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपके बनते हैं। ठीक है, बट हमेशा वो पेयर में बनेंगे,
अब क्वेश्चन ये है कि फिर वो करंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, जैसे आपको मेटल में याद है ओम्स लॉ आपको समझाया था मैंने, तो उस टाइम करंट कैसे फ्लो किया था, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होता है एक डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी वजह से करंट बनता है, याद है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, मान लीजिए मेरा टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है, ज्यादा है, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखूंगा तो थर्मल एजिटेशन की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर में आ रखे हैं। क्वेश्चन यह है कि इसमें फ्लो कैसे होगा, करंट कैसे फ्लो करता है, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे फ्लो करते हैं, होल्स कैसे फ्लो करते हैं। तो जब आप इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो जैसे पहले फ्लो कर रहे थे मेटल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही फ्लो करेंगे, मेटल के अंदर फोर्स लग रहा था उनके ऊपर तो बिल्कुल वैसे ही वो फ्लो करेंगे, बट जो जो होल्स है उनको जरा देखिए वो कैसे फ्लो करेंगे, वो जरा देखिए। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इधर से यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट था और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, अब सुनो जितने भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन बने हुए बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन बने हुए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके बॉन्ड ब्रेक हो रखे हैं और उनसे आपके इलेक्ट्रॉन बने हुए फ्री इलेक्ट्रॉन आ रखे और होल्स बने हुए। अब जब देखो टेम्परेचर भी आपका 0 से ज्यादा है, अब जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं और होल कैसे फ्लो करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो रेंडमली मूव करने की बजाय क्या होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा सुनिए, ये बॉन्ड ब्रेक जो होता है केवल टेम्परेचर की वजह से नहीं होता, केवल थर्मल एजिटेशन की वजह से नहीं होता, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी टकराता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भी टकराते हैं, इनके पास एनर्जी आ जाती है, इनके पास भी तो थर्मल एनर्जी होती है, ये रेंडमली मूव करते रहते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब ये एक बॉन्ड में टकराएंगे तो उससे वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बट टकराने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन काफी नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कई सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही बॉन्ड पे टकराना पड़ेगा तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती है, बॉन्ड आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से भी टूटते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से भी बॉन्ड टूटते हैं। तो इस तरह से रैंडम प्रोसेस चल रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से क्या करेंगे अल्टीमेटली इधर की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, सही बात है, तो उनसे एक करंट बनेगा, उनसे एक नेट करंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो आपने ओम्स लॉ में पढ़ाया नेटवर्क थ्योरी में, सही है भाई। नेक्स्ट जरा देखिए, अब ये होल कैसे फ्लो करते हैं, इसको जरा देखिए, क्या ये भी करंट में पार्टिसिपेट करता है, इसको जरा देखते हैं ये कैसे फ्लो करता है। असल में ये खाली है, इलेक्ट्रॉन ही है अब, और इसके साइड वाला जो एटम है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रखे हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, ठीक है, इसके अंदर वाइब्रेशन हो रखे हैं, जबकि ये क्या है, ये खाली है। तो एक तरह से क्या होगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, ऐसा प्रोसेस होता है कि एक बॉन्ड का टूट के इलेक्ट्रॉन वो इसमें आ जाता है, इसको बना देता है और इसका अपना खाली कर जाता है, क्योंकि वाइब्रेट हो रहा था, नीचे वाला वाइब्रेट नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये स्टेबल पोजिशन है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है, नहीं तो बेसिकली वही कंसेप्ट है, ये खाली था घर में, गलत बोल गया मैं, बीबी बोल सकता था वैसे, ठीक है, तो क्या वो थोड़ा ठीक नहीं होता, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड आपका पहले खाली था, ठीक है, उसके बाद जब देखिए जो थर्मल एजिटेशन हो रही थी उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन टूटा और इसको मिल गया, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किधर मूव गया, इधर मूव गया। अच्छा फिर ये यहाँ पे होल खाली हो गया, यहाँ पे होल खाली हो गया, ये यहाँ पे जो होल था वो भर गया, अब क्या होगा, सुनो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि साइड वाले जो भी एटम उनसे, क्योंकि वो भी तो थर्मल एजिटेशन हो रही है, उनमें तो अनस्टेबल है, और यहाँ पे उसको क्या नजर आ रहा है, स्टेबल होल नजर आ रहा है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसको में भी ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबल पोजिशन है, तो इसलिए वो अपना चेंज करेगा और यहाँ पे होल बन जाएगा, समझ आया, तो इसके मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ही आगे मूव कर रहा है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, हालांकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं रहा, पहले इस बॉन्ड में था फिर अगले बॉन्ड में पहुंच गया, फिर अगले बॉन्ड में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा बट अल्टीमेटली मूव तो कर रहा है,
अल्टीमेटली हमें क्या लग रहा है, नेट 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 देखो ना क्या लग रहा है, नेट लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, क्या करें? हाँ वो फ्री नहीं है, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं दूसरे सेंस में ये कह सकता हूँ कि जो होल था जो पहले यहाँ पे था वो पीछे जा रहा है। जैसे आप वो बोतल ही लेते हो कोई और उसके अंदर जो जो हवा रह जाती है, जब आप उसको उल्टा करते हो तो जो हवा वाला जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, वो पीछे जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, उसकी जगह वो पानी ले लेता है और वो बुलबुला पीछे से रख जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये खाली जगह जो है ना इसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये पीछे जा रहा है, बट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है ना आगे। देखो एक कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कुछ बाउंड इलेक्ट्रॉन थे जो अल्टीमेटली आगे की तरफ मूव जंप कर रहे, हालांकि वो है हमेशा बाउंडी, वो कभी फ्री नहीं रहे, बट अल्टीमेटली मूव कर रहे। तो इसका मतलब उनकी वजह से भी क्या बनेगा, कुछ करंट बनेगा, उनकी वजह से भी कुछ करंट बनेगा। या मैं दूसरे सेंस में कह सकता हूँ होल की वजह से करंट बनेगा। असल में वो होल की वजह से बन रहा है, होल कोई मूव नहीं कर रहा, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं, अफेक्टिव मोशन तो इलेक्ट्रॉन्स का ही है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि होल जो है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, होल जो है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव कर रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, होल उधर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, समझा? एक्चुअल में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, एक्चुअल में तो सारा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, बट हम जो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना इसको हम नाम दे देते हैं होल का, बिकॉज अल्टीमेटली होल आपका पीछे की तरफ जा रहा है। उसकी टेंडेंसी हमेशा इधर बनेगी जाने की, आप समझ रहे हो, तो इसलिए वो आगे की तरफ जंप करेगी, तो अल्टीमेटली जो मोशन है वो इस साइड में रहेगा, इस जो बाउंड इलेक्ट्रॉन उनका भी और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका भी, समझा? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो होल पीछे मूव कर गया, जो पानी का बुलबुला है वो उसकी जगह किसी दूसरे पानी ने ले ली और वो पीछे सरक गया। तो बेसिकली ये कंसेप्ट समझ आ गई। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। अब सुनिए एक और चीज, हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल के अंदर एक ड्रिफ्ट करंट होता है, याद है आपको, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी, ठीक है, और उससे फिर आपका करंट फ्लो हो रहा था, आई मैं ओम्स लॉ में डिराइव करा था, एन ई ए बी डी, याद है, बी डी वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट था। ऐसा ही करंट इसमें भी फ्लो करेगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन का अलग होगा और होल्स का अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसमें भी एक ड्रिफ्ट करंट होता है, बट इसमें एक अलग से एक और करंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, इसमें एक और करंट भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो नेट करंट फ्लो करता है वो ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट, दो करंट होते हैं सेमीकंडक्टर। अब वो डिफ्यूजन करंट क्या होता है भाई, वो होता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये था बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से था। एक और होता है डिफ्यूजन करंट और वो होता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होती है, देखो भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, सीधी बात, चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से भी आपका करंट फ्लो करता है। कैसे करता है वो जरा देखो, आप जरा देखो हवा डालते हो अपने टायर में, जब आपका टायर साइकिल का टायर होता है तो उसकी ट्यूब होती है अंदर और उसमें आप हवा डालते हो, एयर डालते हो, तो वो एक तरह से ट्यूब उसकी मोटी हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू एटमोसफियर। अब जैसे आप उसमें थोड़ा सा पंचर करते हो, कोई पिन मार दिया आपने उसके अंदर, तो क्या होगा बताओ, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा ही है, अगर एक तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है कहीं पे इस मटीरियल के अंदर, मान लीजिए मेरे पास ये मटीरियल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और इसके साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, फिर आप यहां से गर्म कर रहे हो, आप ये समझ लो, गर्म करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे यहां पे,
और दूसरी तरफ क्या हुए, कब होगी। अब क्या होता है सुनो, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर ज्यादा कंसंट्रेशन इधर कम कंसंट्रेशन, तो ग्रेडियंट आ गया एक तरह से, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिफ्यूज होते हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसकी वजह से भी करंट बनता है, उसकी वजह से भी करंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है भाई। तो दो तरह के करंट होते हैं इसमें, अब देखें ये कैसे बनेगा ये, ठीक है, देखें ये किस तरह से होगा ये। तो दो करंट आपके होते हैं इसमें सर्किट जनरेटर में, एक ड्रिफ्ट करंट होता है और एक डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है। मैं फर्दर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चैप्टर में, बिकॉज हम सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, पर फिर भी थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बने थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कि किस तरह से आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कैसे बनते हैं और वो फ्लो कैसे करते हैं, करंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक के बारे में देखते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं। बेसिकली इसमें हम डोपिंग करते हैं, इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तभी एक्सट्रिंसिक बनते हैं, ठीक है भाई। इसमें अलग से हम डोपिंग ऐड करेंगे, अब वो डोपिंग किस तरह की होती है वो जरा देखिए। तो डोपिंग को आप समझ लो ना, इंप्योरिटी ऐड करना, ठीक है। कई बार जैसे क्लियर लोग नहीं करते, डोपिंग करते हैं, ठीक है, कुछ मे भी कुछ ब्लड में कुछ ऐसा कुछ वो इम्प्योरिटी डाल लेते हैं जिससे वो एनर्जी आती होगी, खासकर जो रनिंग करते हैं या कुश्ती उश्ती करते हैं, जो क्योंकि जो ताकत के गेम है, ठीक है, है जी, हाँ जी, तो वो लोग ये डोपिंग का ये करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ हम भी यूज़ करते हैं अपनी सेमीकंडक्टर, बट वहाँ पे वो अलाउड नहीं है, यहाँ पे वो अलाउड है, ठीक है। इधर देखिए किस तरह से हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में। बेसिकली दो तरह की डोपिंग होती है, हमारे पास ग्रुप फोर एलिमेंट है सिलिकन, उसमें हम ग्रुप नंबर फाइव की भी डोपिंग करते हैं, ग्रुप नंबर थ्री की भी डोपिंग करते हैं, ठीक है। जल्दी देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सिलिकन का क्रिस्टल है, यहाँ पे सिलिकन क्रिस्टल है, तो ये सिलिकन है, ये सराउंडिंग के चार सिलिकन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब जरा देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला सिलिकन है, इसकी जगह पे हम सबसे पहले डॉपिंग करते हैं ग्रुप नंबर फाइव से, ग्रुप फाइव एलिमेंट से डॉपिंग करते हैं। ग्रुप फाइव का मतलब जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास है। अब वो कौन सा होता है बता देना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है। तो फॉस्फोरस से मैं इसको डॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए मैंने कैसे किया, तो आप देख लो ग्रुप नंबर फाइव मतलब फॉस्फोरस पी, पी से मैं डॉप कर रहा हूँ, ठीक है, फॉस्फोरस पी से इग्नोर कर देना। अब जरा देखिए कैसे, हाँ जी, देखिए भाई अब मैं कैसे डॉप करूंगा इसको, यहाँ पे सिलिकन था, यहाँ पे आप पी लगा दो। अभी कैसे आता है, उसका एक प्रोसेस होता है, मतलब जैसे किसी एक की जगह पे उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरा वो करना, ठीक है। तो उस वो प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे, लास्ट चैप्टर आएगा आपने ईडीसी का, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। बट फिलहाल बस ये मान लो कि सिलिकन की जगह आपने क्या कर दिया, फॉस्फोरस ले आया, फॉस्फोरस के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पाँच, तो चार तो बन जाएंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा जो इसके चारों चक्कर लगाएगा, ये इसका एटम है न्यूक्लियस के चारों। बट एक प्रॉब्लम है, मटेरियल बदल गया, मीडियम बदल गया। जब देखो एक एटम होता है तो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते हैं, सही बात है, ऐसा ही होता है। अब जरा देखिए इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और एक इनका ये बाहर का वो फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल जो भी है, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगेगा और एक इनका अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, इसकी वजह से रिवोल्व करते हैं।
आप मुझे एक बात बताइए, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, ठीक है? अब जरा देखिए फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस में जो आउटर मोस्ट सेल के चार इलेक्ट्रॉन थे वो तो बॉन्ड बना गए अपना, बट एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लिया, ठीक है? अब क्या होगा शुरू, मीडियम आपका बदल गया, और इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले 11.8। इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एक तो ये वैलेंस था, पहले बाहर था, दूसरा आपने अंदर का मीडियम बदल दिया, समझ रहे हो? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर आने की वजह से वो अंदर का मीडियम सारा चेंज हो जाएगा, तो कुल मिला के इसको हटाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? इसको अपने यहाँ से इससे बॉन्ड तुलवाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्लियर है अभी? तो अब जरा देखिए क्या होगा, जैसे समझ रहे हो ना, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसमें नहीं होता, दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, Q1Q2 / 4π εo 4π εo r2, ये तो वैक्यूम में होता है। अगर कोई मीडियम में ले लूं तो εo × εr, ये हो रहा था, ठीक है भाई? तो अब जरा देखिए 11.8, बेसिकली इसका मीडियम बदल गया, तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, मतलब मैं इसको इजीली क्या करवा सकता हूँ, इजीली इसे ब्रेक करवा सकता हूँ, समझ रहे आप? तो चलिए क्या जरा देखिए कैसे ब्रेक होता है, और इससे कैसे आपका ये क्या क्या बनता है इसे, वो जरा देखते हैं। तो फॉस्फोरस की डोपिंग मैंने कर दी है, मैंने टेम्परेचर 0 केल्विन पे रखा हुआ, कोई ब्रेक नहीं हो रहा। अब मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ाना शुरू किया, राइज करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो बोन है सबको एनर्जी मिलेगी, इनमें थर्मल एजिटेशन स्टार्ट होगा, पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, क्यों भाई? क्योंकि लूजली सबसे लूजली बाउंड है, सबसे इजीली ये टूटेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है सबसे पहले तो जितने भी फॉस्फोरस हैं, जितने भी आपने इसके अंदर डिफ्यूज किए हैं फॉस्फोरस, ठीक है, उनका जो एक इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले तो वो छूटेगा सब, ठीक है? अब मान लीजिए आपने 10^12 फॉस्फोरस आपने डाले होते, मान लीजिए पर सेंटीमीटर क्यूब इतने फॉस्फोरस इसके अंदर डाल रखे, इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अलग होंगे? अभी होल और पेयर वो जो बॉन्ड वाले हैं वो बने नहीं है, इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर में बनते थे वो नहीं बने अभी, अभी तो सिर्फ ये बन गए, आप समझ रहे मेरा पॉइंट, अभी तो सिर्फ ये आए, ये हुआ। उसके बाद जरा देखिए क्या होगा, उसके बाद थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये जो बॉन्ड है इनमें थोड़ी एजिटेशन ज्यादा स्टार्ट होगी, और थोड़ा सा अगर और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा ये क्या बनेंगे, फिर एयर में बनना शुरू हो गया, बट इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले क्या रखे, ज्यादा रखे, इसका मेजोरिटी में ऑलवेज क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप मटीरियल, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है? इसलिए इसको इस ऐसे मटीरियल को हम क्या बोलते हैं, एन टाइप मटीरियल, ठीक है? आप समझिए अभी कैसे ब्रेक होगा। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन की, इलेक्ट्रॉन एन ई की बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टेम्परेचर, तो आप जरा देखिए शुरू में 0 केल्विन पे कोई नहीं थे, धीरे धीरे राइज होंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जो फॉस्फोरस वाले हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके बाद एक टेम्परेचर तक के सारे ब्रेक हो गए, तो उसके बाद कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगी, एक टेम्परेचर तक कॉन्स्टेंट रहेगी, और उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, अब बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बताओ, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन रहे, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन कौन से थे, ये कौन सी ये जो कंसंट्रेशन बढ़ी इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो बढ़ रहे हैं टेम्परेचर के साथ, ये कौन से बढ़े, जो फॉस्फोरस वाले थे, और उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गया, क्यों कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि ये तो सारे ब्रेक हो गए थे और बॉन्ड ने ब्रेक होना शुरू नहीं किया, क्योंकि टेम्परेचर आपका अच्छा खासा नहीं है, और एक टेम्परेचर के बाद और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो बॉन्ड भी ब्रेक होने शुरू जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, कर्व जो आएगा कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर वो इस तरह का है, वो छोड़िए, वो आपके इसी के लिए इंपॉर्टेंट आएगा, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसको बेहतर पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि किस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे ब्रेक होता है इसमें। एक और बात, अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ लोकलाइज नहीं, बट इसके ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब जो इम्प्योरिटी वो आयनाइज हो चुकी है,
इसको हम बोलते हैं आयोनाइज इम्प्योरिटी, समझ आ गई? जो इम्प्योरिटी है वो मेरी आयोनाइज हो चुकी है, इसको हम बोलेंगे आयोनाइज इम्प्योरिटी। क्लियर? अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा ब्रेक होने के बाद। आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट आप देखिए, ये मैंने एन टाइप मटीरियल समझाया, डोपिंग विद ग्रुप नंबर 5 एलिमेंट, उससे एन टाइप बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनते हैं, इसको एन टाइप बोलेंगे। नेक्स्ट आप ये आइए, पी टाइप, डोपिंग विद ग्रुप नंबर 3 एलिमेंट, डोपिंग विद ग्रुप 3 एलिमेंट, और वो कौन सा होता है? बोरोन। बोरोन, बोरोन के साथ देखो, ग्रुप नंबर 3, 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोरोन के साथ हम करेंगे, बोरोन को डिफ्यूज करेंगे। सर एल्युमिनियम भी ले सकते हैं जी? देखो मैं बताऊं आपको, जनरली एल्युमिनियम हम नहीं लेते, ठीक है, पर हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जिनमें, ठीक है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ऐसे आगे आप पढ़ोगे, ईडीसी में पढ़ोगे, वो सब चीजें टाइप होती है इसकी, सेमीकंडक्टर टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, उन सब में देखेंगे। जिसे एलईडी जो बनती है वो जनरली ऐसे मिक्सचर से बनती है, ठीक है, तो वो बाद में आपका पार्ट आएगा, फिलहाल आप उस चीज को कंसिडर नहीं करना, अभी बेसिक समझिए। तो मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास बोरोन है, इसके पास 3 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 3 वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ बॉन्ड नहीं बना लेगा। अब ये वाला जो सिलिकॉन है इधर, उसके साथ नहीं बन पाएगी इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसको होल मत बोलिए फिलहाल, हालांकि लग रहा है हमें होल जैसा, बट इसको आप खाली छोड़ दो बस, ठीक है, इस तरह का रहेगा। अब जरा देखिए क्या होगा, अब सुनो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, अब फिलहाल न्यूट्रल है स्ट्रक्चर, तो पहले भी न्यूट्रल है, बाद में भी क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी पिछला जैसे देखो, फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन था, पहले न्यूट्रल था, वो इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद भी क्या मटीरियल है, जब होल न्यूट्रल ही रहा, भाई आयंस के ऊपर पॉजिटिव आया बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव भी तो है कहीं समय, ऐसे होल तो न्यूट्रल ही रहेगा मटीरियल आपका। अब सर देखिए यहाँ पे फिलहाल न्यूट्रल मटीरियल है, बोरोन हमने डिफ्यूज कर दिया, बट यहाँ पे पूरी बॉन्डिंग नहीं बन रही। अब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो इस बॉन्ड में बने हुए, उनको ये ज्यादा स्टेबल जगह आ गई है, और ये थर्मल एजिटेशन की वजह से ब्रेक नहीं होंगे, उससे पहले ही ये अपनी जगह यहां पे ले लेंगे, उनको लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल जगह है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे ब्रेक हो गए, यहां से ब्रेक हो गए, यहां से ब्रेक हो गए, और आपके यहां पे आ जाएंगे, और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, उसके बाद ये होल बनेगा। समझ आया होल कैसे बनता है? शुरू में मत इसको होल बोलिए, आयोनाइज होने के बाद होल बनेगा। तो इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्टर एटम, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, क्योंकि वैसे भी इसको कंप्लीट करने ना अपने सेल, ठीक है, तो इसको कितना चाहिए, 3, 2, इसके बाद कितने थे आउटरमोस्ट सेल में, 3, इसको 5 चाहिए, हालांकि 5 नहीं बन पाएंगे कभी, ठीक है, बट ये 4 पर ये बना लेगा इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी, ठीक है, ये जल्दी से जल्दी इसको एक तरह से, ये थर्मल एजिटेशन की वजह से ब्रेक नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं ज्यादा स्टेबल पोजिशन दीजिए, इस वजह से आपका जल्दी आपका हल्के से टेम्परेचर पे ही आ गया, तो यहाँ पे होल बन गया, और ये खुद आयोनाइज इम्प्योरिटी आ गया, बोरोन नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बताया कि किस तरह से आपके होल इसमें ज्यादा क्रिएट होते हैं, तो जितने भी बोरोन आइटम है हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या करेंगे, खुद एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, और उसकी जगह क्या छोड़ देंगे, होल खाली खाली छोड़ देंगे। हाँ जी, नहीं वो बेसिकली एक सिलिकॉन जो है ना इसका भी तो बोन बन जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए क्योंकि मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे एजिटेशन हो रही थी, अब यहाँ पे एजिटेशन, उसको लग रहा है यहाँ पे एजिटेशन कम हो रही, क्योंकि उस वे में आप देखिए वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, उसको इसी बात मिल गया, इसी रास्ता मिल गया, तो इसने ब्रेक होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया कि किस तरह से बोरोन अपना होल क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब इजी वे समझने का मैंने बताया, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हल्के से टेम्परेचर में क्या बढ़ेंगे इसमें होल, सारे बोरोन आइटम अपना एक्सेप्ट कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बनेंगे, होल बनेंगे, ठीक है। अब जब और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, फिर ये जो बॉन्ड है ये क्या होंगे, ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ठीक है, जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर में बनेंगे, बट होल तो पहले से ज्यादा हो चुके, पहले से ज्यादा हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। चलिए, तो मैंने बताया कि इसको बोलते हैं पी टाइप मटीरियल, इसको बोलते हैं पी टाइप मटीरियल,
जब हम डोपिंग बोरॉन से करते हैं तो उसमें होल ज्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये पी टाइप। एक हमने पढ़ा एन टाइप, दूसरा हमारा है पी टाइप, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जरा देखिए, गर्म कर रहा हूं, एक और चीज जरा देखिए, एक और चीज देखिए, एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने डोपिंग की NH1 12 फॉस्फोरस एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिलिकॉन के अंदर पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने एटम हमने डोप कर दिए, तो जैसे मैं हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा, मैंने फॉस्फोरस से डोपिंग की पी टाइप ले लो, ठीक है, इस तरह का मटीरियल था, इतने मैंने डोप कर दिए पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने एटम मैंने डोप कर दिए फॉस्फोरस को। अब आप बोलोगे सर इसके सिलिकॉन के होते कितने, सिलिकॉन की एटॉमिक कंसंट्रेशन क्या होती है, कुछ आइडिया है किसी को, सिलिकॉन की क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, नहीं टेन बार कितने होती है, नहीं ये बार चेक करो, सिलिकॉन की कंसंट्रेशन मैं भूल गया हूँ क्या होती है, ठीक है आप चेक करूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं सर्किट्स पढ़ाने वाला था तो EDC में आता है बट मुझे डेटा याद नहीं रहता, ठीक है, खैर जो भी है, मान लीजिए मैंने इतना, इससे कहीं ज्यादा होती है वैसे मैं बता दूं, ठीक है, अगर मैंने इतने डॉप किए मान लीजिए फॉस्फोरस, तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, सही बात है, और फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन फिर क्या होगी, पेयर में बढ़ना शुरू करेंगे। मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन पहले से टूट चुके, अब मेरे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, पेयर में ब्रेक करना शुरू करेंगे, सही है, मैंने टेम्परेचर और बढ़ाना शुरू किया, पहले इतने इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन तो पहले आ चुके हैं, प्लस और इलेक्ट्रॉन कब क्यों बढ़ेंगे, बिकॉज मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, थर्मल एजिटेशन की वजह से पेयर में बनना शुरू, अब ये बढ़ते जा रहे हैं और होल भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या रहेगी, होल से ज्यादा। बट एक पॉइंट जरा देखिए, अगर टेम्परेचर मैंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो ब्रेक होते हैं बोर से जो ब्रेक होते हैं, मान लीजिए 10^18 होगी, तो ये भी क्या होगा 10^18, अब इसका सम बताओ क्या आएगा, तकरीबन इसका सम बताओ क्या, 10^18 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा 0.0001, क्या करें, और वो क्या रहेगा तकरीबन कितना रहेगा 10^18, और ये भी 10^18, इसका तो अगेन किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, इंट्रिंसिक की तरह, इलेक्ट्रॉन और बराबर ही नहीं हो गए अगर ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो, आप समझ रहे मेरा पॉइंट, तो मैंने बोला अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तो ये जो वैल्यू है जो बोन ब्रेक होके बने थे ये वैल्यू इससे डोमिनेट करेंगे और तकरीबन इलेक्ट्रॉन और क्या बनेंगे, फिर ये 10^18 के अराउंड ही हो जाएगा, आप समझ रहे हो, और ये भी 10^18 है, इसका तो इलेक्ट्रॉन होल हमेशा बराबर हो जाएंगे, फिर तो बराबर हो गए तो फिर क्या रहेगा, फिर तो इंटेंसिटी की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, तो ध्यान रखिए ज्यादा अगर आपको एक्सटेंसिटी की तरह बिहेव करा तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो अगेन वो इंटेंसिटी की तरह ही काम करेगा, आप जरा समझिए इस पॉइंट को, आगे बढ़े भाई चले आगे, इंटेंसिटी क्या है, सिलिकॉन के 10^10 इलेक्ट्रॉन सर, एटम मैं एटम की बात कर रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं एटम, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल के एटम देखो, एटॉमिक कंसंट्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन मत देखो, क्या बताया वैसे आपने 10^10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर मेरे पास इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर पर सेंटीमीटर क्यूब फ्री होते, तो इतने होल भी होंगे, सही बात है, पेयर में होते इतने होल भी होंगे, ये तो खैर इंट्रिंसिक ही है, हम तो पी में आ गए ना, डॉक करने के बाद 10^16 हो जाती है रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाया तो कंसंट्रेशन और बढ़ेगी और होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है भाई, तो चलिए तो मैंने बताया कि किस तरह से आपको टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है अगर आप एन टाइप या पी टाइप की तरह बिहेव कराना चाहते हो, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा,
बेयर में आ जाएंगे फिर से। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? आगे बढ़े भाई, चलिए। तो मैंने बताया कि कैसे हम डॉकिंग करते हैं, किस तरह का कंसेप्ट होता है। आगे बढ़ते, तो मेरे पास दो तरह के मटेरियल आ गए, एक आ गया एन टाइप और एक आ गया पी टाइप, एक आया एन टाइप और एक आया पी टाइप। अब मैं इनको कनेक्ट करना चाहता हूँ, एन टाइप और पी टाइप को एक साथ लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पी टाइप है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, और एक मेरा इधर मेरा एन टाइप, मैंने तो जोड़ दी। अब जरा देखिए क्या होगा, इधर होल मेजोरिटी में, इधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में। अब जैसे आप जंक्शन बनाओगे, इसकी टेंडेंसी हमेशा इधर डिफ्यूज होने की रहेगी, क्यों? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, समझ रहे हो? इधर बहुत ज्यादा भीड़ है होल्स की, इधर होल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इधर से इधर निकलेंगे, डिफ्यूज होंगे, ठीक है ना, जैसे इंडियंस डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में। तो क्या यहाँ पे जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजोरिटी में, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होल्स है वो आपकी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज हो गया, समझ रहे हो? तो जैसे आप जंक्शन बनाओगे, इनके अंदर एक डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल इधर जाएंगे। अब जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, होल को इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, होल को इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, वो होल के साथ रिकम्बाइन होकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ऐसे ही होल अगर इधर आ गया, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, समझा? अब जरा देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ था, मैं अगर मटीरियल दिखा हुआ आपको, जरा देखिए एक टाइप को दिखा रहा हूं, एक टाइप को मैं 2D में दिखा रहा हूं, एन टाइप को दिखा रहा हूं मैं 2D में, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, एन टाइप के अंदर क्या चल रहा है वो जरा दिखा रहा हूं, देखिएगा। यहां पे मेरा फॉस्फोरस था जो आयनाइज हो चुका है, जो आयनाइज हो रखा है, इलेक्ट्रॉनिज्म दे रखा है, ऐसे और भी है। यहां पे मेरा फॉस्फोरस था, यहां पे मेरा फॉस्फोरस था, ठीक है, इधर भी मेरा फॉस्फोरस था, मान लीजिए जिसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो भी फॉस्फोरस होते हैं सारे क्या रखे होते हैं, आयनाइज, और उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही घूम रहे हैं, इनके अंदर ही चक्कर लगा रहे हैं कहीं भी, ऐसे ही किसी के साथ लोकलाइज नहीं है, ऐसे रेंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये एन टाइप है, ये आपका एन टाइप है, ठीक है जी। आप जरा देखिए क्या होगा, ऐसे पी टाइप में बोरॉन आपके आयनाइज हो रखे हैं और होल्स आपके खाली हो रखे हैं। अगर मैं इधर दिखाऊं पी टाइप, तो जरा देखिए क्या होगा इसके अंदर, मेरे जो बोरॉन है वो आयनाइज हो रखे हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है भाई, बोरॉन जो है आयनाइज हो रखे हैं भाई आपके, ठीक है, इस तरह से, और उनमें होल्स बने हुए, यहाँ पे आपके होल्स भी टूटे हुए बहुत ज्यादा, ठीक है। मटीरियल एज ए होल क्या है, न्यूट्रल, उसमें आयनाइज इंप्योरिटी भी है और होल्स बने हुए इधर, होल मेजोरिटी में, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स भी है इधर बट वो माइनॉरिटी में, ठीक है ना, मेजोरिटी में होल्स। अब जरा देखिए क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, जैसे आप इनको पास में लेके आओगे, सुनो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इधर डिफ्यूज होगा और इस होल के साथ मिलके क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली जो होल है ये उधर जाएगा और होल उधर जाके मूव करके जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, आगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझे आप? तो इस रीजन में बचेगा क्या, से इस रीजन में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आयोनाइज इंप्योरिटी बचेगी, क्या कहते हैं, इधर नेगेटिव आयनाइज इंप्योरिटी और इधर पॉजिटिव आयनाइज इंप्योरिटी। पहले ऐसे होल न्यूट्रल था, पहले तो न्यूट्रल था नहीं, आप क्या हुआ सुनो, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसका मतलब क्या है, अब न्यूट्रल रहा नहीं, इतना रीजन इसके, इस रीजन के अंदर जो आयनाइज इंप्योरिटी वो एक तरह से बाहर निकल के आ गई, नहीं समझे, पहले ऐसे होल न्यूट्रल था, जितने उतने इलेक्ट्रॉन थे इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए,
तो इसका ये साइड जो है वो अब इसमें सिर्फ जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे फ्री इलेक्ट्रॉन वो सारे उधर चले गए और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ आपका आयोनाइज इम्प्योरिटी। अब सुनो ये सिर्फ शुरुआत में होगी, यहाँ पे आगे आगे होगी बस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच गया। अब ये पीछे की तरफ क्यों नहीं दिखाया मैंने, सुनो क्या होगा, शुरू के जो इलेक्ट्रॉन है जैसे वो इधर जाएंगे और जैसे इधर आएंगे होल इधर आएंगे, तो शुरुआत के यहां से रीजन यहां से होल डिप्लीट आउट हो गए और यहां से इलेक्ट्रॉन डिप्लीट आउट हो चुके हैं, डिप्लीट हो गए उधर चले गए रिकम्बाइन हो गए और यहां पे नेगेटिव आ गया, आयनाइज इम्प्योरिटी नेगेटिव बच गया, यहां पे पॉजिटिव बच गया। अब जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है अब उनको यही जो आयनाइज इम्प्योरिटी वो ब्लॉक करेगी, यहां नहीं देगी, क्यों, ये बोले कि हम पे नेगेटिव चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉन भी क्या है नेगेटिव चार्ज, उधर देखो क्या होगा, अब ये आयनाइज इम्प्योरिटी आने नहीं देगी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों नहीं आने देगी वो जरा देखते हैं, क्यों नहीं आने देगी वो जरा देखते हैं, ऐसा क्या होगा कि आने नहीं देगी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में, सही बात है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, इधर से कैपेसिटेंस नहीं बन गया टाइप, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इन पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है, तो एक बिल्ट इन पोटेंशियल आ जाएगा, बिल्ट इन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है भाई, इन दोनों के इनके बीच में जंक्शन के बीच में, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को ब्लॉक करेगी, तो उसको आने नहीं देगी होल को, जो होल है उनको इधर नहीं आने देगी और इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है एक तरह से रिपल, एक तरह आप उस तरह सोच सकते हो, समझ रहे आप, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, आप ये कह सकते हो, या फिर नेगेटिव जो है रिपल करेगा उसको, क्लियर अभी, तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को इधर आने से ब्लॉक करेगी, उधर ही रखेगी, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, अगर मैंने जंक्शन को पास में लिखा है, और आपको समझ आया पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनेंगे, इधर से डिप्लीट आउट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन और इधर से होल डिप्लीट आउट हो चुके हैं, तो डिप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बचा, आयनाइज्ड इंप्योरिटी बची, जो इंप्योरिटी पहले आयनाइज हो रखी थी केवल वो बची है, पहले भी थी वो, बट पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी थे तो न्यूट्रलाइज था, ओवरऑल मैं न्यूट्रलाइज दिखा रहा था, बट उसके बाद न्यूट्रलाइज नहीं रहा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन तो सारे निकल गए, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ये कौन सा है मेरा, ये मेरा है डिप्लीशन रीजन, यहाँ से डिप्लीट आउट हो गए इलेक्ट्रॉन एंड होल, इस पूरे रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, या फिर स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है, इसको हम स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है उसको बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ, जो पूरी विड्थ है इसको बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ, या डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डिप्लीशन लेयर, इसलिए विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ, ठीक है भाई, तो इस तरह का जंक्शन बनेगा मेरा, तरीका होता है वो हम बताएंगे लास्ट में, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को करवाया जाए, ठीक है, तो उसमें फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें बताएंगे कैसे उनको फैब्रिकेट करते हैं, तो कुल मिला के बेसिकली इस तरह से आपका एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है, तो मैंने बताया कि क्या होता है बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है। फ्री घूम रहे और सारे सारे फॉस्फोर क्या हो रखे आयन एज, फिर हम क्यों नहीं दिखाते नेगेटिव चार्ज, क्यों नहीं दिखाते, क्यों भाई, क्योंकि इस रीजन में जितने नेगेटिव है उतने ही क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, लेकिन फिर भी हम एन टाइम में दिखाते तो नहीं है पॉजिटिव चार्ज, वो इसलिए नहीं दिखाते बिकॉज़ वो न्यूट्रल है, क्योंकि आपका पॉजिटिव आयनाइज हो रखा है वो ठीक है, बट उसी स्पेस में जितने अगर कोई पर सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लूं तो जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या है नेगेटिव, इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रलाइज हो रखा है, तो इसलिए हमने दिखाया नहीं, लेकिन जैसे हम जंक्शन के पास लेके आए इस रीजन से वो डिप्लीट आउट कर गई, समझ लो, डिप्लीट आउट करने के लिए क्या चीज उभर के बाहर आई, पॉजिटिव चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रॉन तो रहेगी ना, तो इसलिए हमने उसकी जगह पे फिर पॉजिटिव लिखा, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, ठीक है भाई, तो मैंने बताया कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल
क्या होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज जो आएगा ना एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल और ये ब्लॉक करता है फर्दर डिफ्यूजन को ब्लॉक करेगा फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देगा अभी समझ आया अभी आगे बढ़ सकते हैं क्लियर हुआ यहाँ तक नेक्स्ट चलो देखिए मैं रब कर रहा हूँ रब कर दूँ इसको रब कर रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है वैसे तो ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर डोपिंग लेवल सेम नहीं है ना तो जो बिट की जो डोमिनेशन है ना ये कम ज्यादा हो जाएगी मान लीजिए इधर आपने ज्यादा डोपिंग लेवल रखा है और इधर कम डोपिंग लेवल रखा है तो जो डिप्लीशन बिट जो आ रही है टोटल बिट उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बिट है वो वेरी कर जाएगी अगर बराबर है तो ये और ये सेम आएगी वो बेसिकली इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है इनकी जो बिट है ना ये वाली रीजन और ये वाली रीजन की जो बिट तो उस पे फर्क पड़ेगा अगर बराबर है तो दोनों तरफ सेम आएगा जितनी ये बिट था उतनी ये बिट अगर मान लीजिए इधर ज्यादा है इधर कम है तो अकॉर्डिंगली वो वेरी करेगी वो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा डेरिवेशन है वो आपको आगे फ्यूचर में एक ईसी वाले स्टूडेंट को हम करवाएंगे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूरत नहीं है ठीक है भाई समझ आया अभी इलेक्ट्रिकल को आगे बढ़े ठीक है भाई चलिए तो मैंने बताया कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है पीएन जंक्शन कैसे तैयार होता है और पीएन जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं डायोड ठीक है इसी को ही हम क्या बोलते हैं डायोड ठीक है भाई तो यही मेरा डायोड है तो मुबारक हो तो हमने देखा कि डायोड कैसे बनता है ठीक है एक तरफ पी होता है ये वाली साइड पी होती है एन साइड होती है चोंच की तरफ जो होता है ना वो एन होता है ठीक है भाई एक तरफ पी एक तरफ एन तो ठीक है भाई आप सुनिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा मैंने बताया डायोड क्या चीज है पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन को हम क्या बोलते हैं डायोड ठीक है मैं रब कर रहा हूं मैंने बताया पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं एन टाइप क्या होते हैं अब देखिए आप मैं इसके सर्किट में आऊंगा डायोड के सर्किट क्योंकि मैं इसकी फिजिक्स नहीं पढ़ने वाला हूँ कैसे उसके अंदर का प्रोसेस क्या चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं फिलहाल इस सब्जेक्ट में ठीक है देखिए इसमें क्या होगा मेरे पास एक डायोड है एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है अब जरा देखिए मान लीजिए मैं इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ले लूं वीडी और इसमें करंट देखना शुरू करो आईडी इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ले लेता हूं वीडी उसकी पोलैरिटी है और करंट उसमें आईडी देखना शुरू करो और उसको अगर मैं प्लॉट करूं अलग अलग वीडी पे बीडी की अलग अलग वैल्यू पे अगर मैं प्लॉट कर लूं तो जरा देखते हैं कैसा बनेगा उसका ग्राफ कैसा आएगा ठीक है तो जरा देखिए अगर मेरा बीडी पॉजिटिव है मतलब इस पोलैरिटी का है इस पोलैरिटी को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं ठीक है अगर मेरा बीडी पॉजिटिव है और मैं अगर इसको बढ़ाते जा रहा हूं तो जो करंट है वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और उसकी एक इक्वेशन भी है ID is equal to IS e की पावर BD upon eta VD minus ये रिलेशन होती है where VD is voltage across diode IS is reverse saturation current आप लिख लो IS reverse saturation current बहुत ही कम होता है पीको एम्पियर है जी आईएस की बात कर रहा हूं वीडी वीडी इज वोल्टेज अक्रॉस डायोड वीडी लिखिए वीडी इज थर्मल वोल्टेज एटी बाई क्यू ठीक है वीडी इज थर्मल वोल्टेज एटी बाई क्यू इसकी वैल्यू होती है 25.2 मिली वोल्ट के अराउंड जल्दी है जी हाँ हेडरूम टेम्परेचर 25 टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा ना के इज वोल्ट्स में कांस्टेंट टी इज वाई टेंपरेचर रूम टेंपरेचर जो भी टेंपरेचर है रूम टेंपरेचर में इसकी वैल्यू होगी 25.2 मिली वोल्ट ठीक है भाई जल्दी कुछ लोग 25 ले लेते हैं कुछ लोग 26 ले लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा ठीक है ये कितना लेके चलो अच्छा ईटा ईटा की वैल्यू इधर 1 होती है और 2 होती है डिपेंडिंग ऑन फिजिकल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम पे शेड डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल एंड फिजिकल अपीयरेंस इसके वाले 1 और 2 होती है कैसे भी जरा देखिए
अगर एक होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और एक होता है डिस्क्रीट सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा होता है? जो आईसी के अंदर होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। और डिस्क्रीट सर्किट जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी, ये डायोड अलग अलग लगा दिए, बीजेटी अलग लगा दिए, मोसफेट अलग लगा दिए, तो एक आईसी के अंदर नहीं है ये, पीसीबी बोर्ड पे अलग अलग बना रखी है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा सर्किट है आपका? डिस्क्रीट सर्किट है। एक होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें सब कुछ एक साथ ही एक प्लेट के अंदर होता है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट का एक खतरनाक सा एक बिहेवियर होता है क्या, अगर एक मटेरियल गर्म हो रहा है, एक डायोड गर्म हो रहा है, तो पूरी आईसी को गर्म कर देगा, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो उसके अंदर लगे हुए हैं वो सारे गर्म होंगे। आप समझ लो टेम्परेचर एक तरह से हर एक एलिमेंट का यूनिफॉर्म रहेगा। जबकि डिस्क्रीट सर्किट में क्या होता है, डायोड अलग होते हैं, बीजेटी अलग लगा होता है, अलग अलग पोजिशन पे लगे होते हैं। तो अगर एक चीज गर्म हो रही है, मान लीजिए ये वाला डायोड गर्म हो रहा है, ये वाला डायोड गर्म हो रहा है, तो इस एलईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि दूर है उससे। जबकि अगर यही चीज सारी सारी आईसी में होती तो एक गर्म होगा तो दूसरे वाला साइड वाला भी गर्म होगा। तो इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट में हम ईटा की वैल्यू 1 लेते हैं और डिस्क्रीट सर्किट में ईटा की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। जनरली जर्मेनियम के लिए 1 लिया जाता है और सिलिकॉन के लिए 2 लिया जाता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। एक बार चेक कर लो भाई, मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैंने करेक्ट किया है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2, ठीक है, देख लेना। तो मैंने बताया ईटा क्या होता है, ठीक है, बेसिकली किस पर डिपेंड। अगर नहीं दे रखा तो डिफॉल्ट में 1 लेके चलो, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम, नहीं दे रखा तो ईटा की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है, क्लियर अभी। तो ईटा जो होता है वो फिजिकल उस पर भी डिपेंड करता है, अपीयरेंस एक तरह से आईसी और डिस्क्रीट सर्किट। हाँ जी, हाँ जी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए ईटा 1 बोले, डिस्क्रीट के लिए 2 बोले, ठीक है भाई। अच्छा सुनिए भाई, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी, वीटी क्या करें, थर्मल वोल्टेज, टेम्परेचर की वजह से, तो आप ठीक है। हाँ जी, तो सारी चीज होगी। आई डी इज डायोड करंट, आई डी क्या मेरा डायोड करंट। तो ये करेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगी प्रैक्टिकल डायोड की जब मेरा वीटी पॉजिटिव है, तब इसको बोलते हैं वोल्ट बायस। वोल्ट बायस रीजन, जब डायोड गया तो उस पॉजिटिव वोल्टेज मैंने अप्लाई की, एनोड पे पॉजिटिव है कैथोड के कंपैरिजन में, ई पे हायर एन के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे डायोड क्या है, वोल्ट बायस। डायोड वोल्ट बायस रीजन में है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा, ठीक है भाई। बट रिवर्स बायस रीजन में कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होती। अगर मैं वीडी को उल्टा कर दूं, डायोड को रिवर्स बायस कर दूं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होंगी, फिर कैसी होंगी जरा देखिए, कुछ इस तरह की होंगी। इसको बोलेंगे रिवर्स बायस रीजन, रिवर्स बायस रीजन। ये मेरा रिवर्स बायस रीजन है, ये मेरा फॉल्ट बायस रीजन है, ये मेरा रिवर्स बायस रीजन, ठीक है भाई। इसमें ये फॉलो नहीं होगी, मैं पहले बताता हूँ, ये रिलेशन फॉलो नहीं होगी। अच्छा एक और चीज सुनिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसमें जब ये रिवर्स बायस होता है तो ये जो ये वाला जो करंट है यहां तक का, ये बहुत ही कम वैल्यू है, इसको बोलते हैं आईएस या आईडी, आप जो भी, ठीक है। ये है मेरा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये जो करंट है इसको आप बोले ये रिवर्स सैचुरेशन करंट आईएस, ठीक है। ये बहुत ही कम होता है, एक मिनट रुकिए, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द जंक्शन। मैं आईएस बता रहा हूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो आईएस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये पहले क्या होती है, बेसिकली ये वाला करंट जो होता है इसी के बराबर होती है, रिवर्स डायरेक्शन में जो ये वाला करंट है इसके बराबर होती है। ये बहुत बहुत ही कम होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द जंक्शन। जो जंक्शन का प्योर एंड का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जंक्शन का, वो उस एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई, उसके प्रपोजल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड टेम्परेचर सेंसिटिव, आप लिख लो दिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर डायोड का टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसके आई एस की वैल्यू भी बदलेगी, ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, यहाँ तक समझ आया अभी। नेक्स्ट चलो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। अब ये रिलेशन कैसे आई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे, इनकी डेरिवेशन कराऊंगा मैं,
बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले सीधा इसको उठाए, ठीक है। जरा देखिए ये जो रिवर्स रीजन है इसको जरा मैं थोड़ा सा डिस्कस करा रहा हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक थोड़ा सा नीचे दिखा दिया जाता हूँ, हल्का सा ऐसे दिखा दूँ। दिस इज माई जीनर रीजन, इस रीजन में एज अ जीनर डायोड यूज होता है। दिस इज माई जीनर रीजन, दिस इज माई जीनर रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस वोल्टेज के बाद अगर और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज बना दिया आपने, रिवर्स वाइज और ज्यादा कर दिया, इसको उल्टी वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, नेगेटिव वोल्टेज दे दिया आपने, और ज्यादा रिवर्स वाइज कर दिया, तो खराब हो जाएगा करंट एकदम से वेरी लार्ज हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, नेगेटिव करंट हो जाएगा, आईडी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, वो भी बहुत ज्यादा एकदम से लार्ज हो जाएगा, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हो ये ब्रेक डाउन रीजन है, ब्रेक डाउन रीजन। असल में ब्रेक डाउन तो यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जीनर ब्रेक डाउन है। दो तरह का ब्रेक डाउन होता है, एक अवलांच ब्रेक डाउन और एक जीनर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो खैर इस रीजन को हम जीनर रीजन बोलेंगे, इसमें ब्रेक डाउन ही होगा, ठीक है, एज ए जीनर डायोड यूज करेंगे ये रीजन। बेसिकली ये वोल्टेज जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस पॉइंट से आगे ब्रेक डाउन रीजन, बट यहां के बाद अगर और ज्यादा आपने ज्यादा नेगेटिव कर दिया तो एक तरह से डायोड ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद आप कह सकते हो ब्रेक डाउन रीजन, इस पॉइंट के बाद आपका ब्रेक डाउन रीजन। रिवर्स तो पूरा ही है, यहां से ज्यादा पूरा रिवर्स रीजन है, बट इस पॉइंट के बाद ब्रेक डाउन वोल्टेज ब्रेक हो जाए, ठीक है भाई। और ये मेरा जीनर रीजन है, यहां से आता ये जीनर ब्रेक डाउन रीजन को शो कर आप लिख लो, वैसे ये जो है ये मेरा क्या है, जीनर, जीनर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीनर पढ़ेंगे, ठीक है, जीनर रीजन। नेक्स्ट देखिए भाई, फोर्थ क्लास में देखिए इस तरफ, अगर मैं यहाँ पर डायोड की करंट वर्सेस वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूँ तो इस तरह की है कुछ। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ध्यान से देखो, बातचीत ना करें, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आपका जो करंट है वो बहुत ही कम है, करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करेगा, बट अगर उस वोल्टेज हल्का से भी ज्यादा मेरी वोल्टेज होगी, हल्की से भी ज्यादा मैंने वोल्टेज कर दी, तो क्या होगा बताओ, करंट एकदम से क्या होगा, स्टीपली राइज करेगा। तो इसलिए हमने एक 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 लेवल सेट कर दिया जिसको हम बोलते हैं 13 वोल्टेज, और जनरली वो 0.7 लेते हैं हम डायोड का, 13 वोल्टेज 0.7 0.6 से 0.7 के बीच में होती है वोल्टेज। जो 0.7 वोल्ट तक डायोड में अगर आप फोल्ड बायस कर रहे हो डायोड को, डायोड मेरा फोल्ड बायस है इस रीजन में, वीडी मेरा पॉजिटिव है, डायोड फोल्ड बायस है, और अगर मैं इस वोल्टेज को 0.7 से लेस रखता हूं तो करंट पॉजिटिव फ्लो करेगा बट ज्यादा नहीं कर पाएगा करंट फ्लो। अगर 0.7 से मैंने हल्का सा भी ज्यादा कर दिया तो एकदम से करंट क्या होता है, एकदम से करंट राइज करेगा और आपका एक तरह से वेरी लार्ज करंट इसमें से फ्लो करेगा अगर आपका 0.7 से ज्यादा हो। तो इसलिए मैंने इसको नाम बोल दिया कट इन वोल्टेज, मतलब एक तरह से बैरियर है, आप ये कह सकते हो, इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि बैरियर है, जस्ट ये एक अजम्पशन है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, हमने बस अज्यूम कर लिया इससे पीछे बहुत कम है इससे आगे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने एक बैरियर मान लिया कि 0.7 तक डायोड जो है बहुत ही नेगलिजिबल करंट फ्लो करता है। फोर्ड बायस अगर आपने कर दिया और फोर्ड बायस वोल्टेज अगर 0.7 से कम है तो करंट नेगलिजिबल होगा, 0.7 से ज्यादा है तो करंट काफी ज्यादा होगा, समझा। ये जस्ट एक हमारे दिमाग की उपज है, कुछ लोग क्या करते हैं इस कटिंग वोल्टेज को बिल्ट इन के साथ रिलेट करते हैं, बिल्ट इन जो आया था अभी जो आपके जंक्शन के अक्रॉस वो बना था उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ये क्लियरली याद रखिए, कट इन वोल्टेज और बिल्ट इन वोल्टेज ये डिफरेंट चीज है, ठीक है, आप इनमें कोई वो नहीं, कई लोग सोचते हैं कि कट इन वोल्टेज और बिल्ट इन वोल्टेज वही है, सेम नहीं है भाई, समझ गया, याद ध्यान रखिए। सर ये कट इन वोल्टेज तो हम प्रोवाइड करते हैं, कट इन वोल्टेज तो जस्ट हमने एक्सपेरिमेंटली हमने चेक कर लिया डायग्राम से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन किया, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स से आई है, समझ गया। और जो बिल्ट इन वोल्टेज है वो उसका फिजिकल नेचर है, उसके अंदर है, उनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमें कैरेक्टरिस्टिक से बना ली हुई, इसके बाद ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, इसके बाद ये बहुत कम कंडक्ट कर रहा है, इसमें करंट बहुत कम है, समझा। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी प्रैक्टिकल डायोड, नहीं कैंसिल करने के लिए यूज होती है वो, कोई तरह बट उसके बराबर नहीं होती, उसके बराबर नहीं होती, 0.7 उसके बराबर नहीं है,
ठीक है भाई, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी बस इतनी जानकारी काफी आपके लिए। आप इतना याद रखो कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कट इन वोल्टेज एंड बिल्ट इन वोल्टेज, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि रिलेशन है, बट अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दोनों ही डिफरेंट चीज है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आई है और वो उसके फिजिकल नेचर की वजह से आएगी, अंदर के जो जंक्शन है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है, ठीक है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो नेचुरल है, उसकी वजह से आएगी। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैं रख कर रहा हूँ। अब सुनिए, ये प्रैक्टिकल मैंने बताया, प्रैक्टिकल डायोड का नेचर है क्या, अगर मैं वीडी को इनपुट मान लूँ, इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को इनपुट मान लूँ और करंट को मैं आउटपुट मान लूँ, दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई आउटपुट, तो जो रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, क्या ये लीनियर रिलेशन है? नहीं, इसलिए डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है, डायोड जो है मेरा वो नॉन लीनियर डिवाइस, डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस, डायोड मेरा नॉन लीनियर डिवाइस है। एक और चीज देखिए, एक और चीज मैं बता दूं, दो तीन पॉइंट और है इसमें इंपॉर्टेंट, जहां से जीना रीजन शुरू होता है ना, वहां पे जो करंट होता है उसको बोलते हैं नी करंट, जहां पे जीना रीजन शुरू होता है, सैचुरेशन करंट अलग होता है, जहां पे जीना रीजन शुरू होता है और वहां पे जो करंट होता है उसको बोलते हैं नी करंट, आई नी, नी करंट, और जो मैक्सिमम जीना रीजन का जो मैक्सिमम करंट है उसको बोलते हैं आई जेड मैक्स, ये जीनर रीजन का मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है इसमें, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, आई जेड मैक्स, एक होता है आई वी। अच्छा एक और चीज सुनिए, इससे जो मैं प्रैक्टिकल जो करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकता, तो मैंने बोला डायोड इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। एक और चीज मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि रिवर्स बायस में डायोड का जो करंट है ब्रेकडाउन से पहले करंट जो है वो जीरो है, मैं अज्यूम कर सकता हूं ब्रेकडाउन से पहले डायोड में जो करंट है वो कितना है, जीरो। इसका मतलब डायोड रिवर्स रीजन में कंडक्ट नहीं करता, केवल और केवल फॉरवर्ड रीजन में कंडक्ट करता है, मैं ऐसा अजम्पशन ले सकता हूं। इसका मतलब डायोड इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, डायोड इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट, केवल एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, डायोड इसे यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है भाई, डायोड इसे यूनिलैटरल एलिमेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा देखिए भाई, मैं रफ कर रहा हूं, रफ कर दूं, और दूसरी बात यूनिलैटरल बाइलैटरल मैंने नेटवर्क में अगर आपको करवाया याद हो अगर आपको, तो उसमें मैंने बताया था अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं वोल्टेज को उल्टा भी कर दूं तो सर्किट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलनी चाहिए, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, यूनि बाइलैटरल। अब इसी करेक्टरिस्टिक्स बदलनी है, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए अलग है, नेगेटिव वोल्टेज के लिए अलग है, पॉजिटिव इनपुट के लिए अलग है, नेगेटिव इनपुट के लिए अलग है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करो तो इस तरह की है एक्सपोनेंशियल और नेगेटिव में कुछ अलग ही है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स बदल लिए, तो इसलिए कैसा एलिमेंट है, नॉन लीनियर तो है, यूनिलैटरल, इसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल, समझ आया। चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट चलिए, टेम्परेचर से एक तो आई एस में चेंज आएगा, एक वी टी में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो डायोड का जो करंट है वो आपका राइज करता है, करेक्टरिस्टिक्स बदलती है टेम्परेचर से, फॉर द सेम वोल्टेज किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना था, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी, तो फॉर द सेम वोल्टेज करंट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। क्या क्या पढ़ोगे सारी बातें बताऊंगा, ठीक है, ये सारी बातें बताऊंगा, सब करेंगे। हाँ जी, रिवर्स करंट की वजह से ऐसा हुआ है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया, वो तो वीडी में आता था केटी,
उससे कोई उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आई एस में जो फर्क पड़ रहा है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी और उसकी वजह से ये चीज़ चेंज आएगी। ठीक है, फिर हम करेंगे अभी टेम्परेचर के साथ हम देखेंगे। वैसे मुझे बताओ सेमी कंडक्टर एलिमेंट है, सेमी कंडक्टर का कौन से होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर का ऑप्शन होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर का ऑप्शन है जी? टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, बिल्कुल सही है। तो नेगेटिव टेम्परेचर का ऑप्शन है। हाँ जी, इसका होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका करंट क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ेगा तो सेम वोल्टेज करंट आपका राइज करेगा। ठीक है, खैर मतलब ये उस तरह से भी सोच सकते हो, कई सारे तरीके हैं सोच सकते हो। नेक्स्ट देखिए भाई, तो मैंने बताया कि कैसी करेक्टरिस्टिक्स होती है आइडियल प्रैक्टिकल डायोड, बट मैं अब आइडियलिटी लेना चाहता हूँ, आइडियल डायोड देखना चाहता हूँ। आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड मैं आइडियल डायोड को देखना चाहता हूँ। तो आइडियल डायोड की कैसी करेक्टरिस्टिक्स होती है वो जरा देखिए। देखो कुछ इस तरह का होता है आइडियल डायोड, कुछ इस तरह का होता है। इधर है मेरी, इधर है मेरा करंट और इधर मेरा वोल्टेज। दिस इज ए, दिस इज के, वोल्टेज अगर हो जाए वी डी। अब सुनो, अगर वी डी मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब के ऊपर हायर है, ए पे लोअर, कैथोड पे हायर है, एनोड पे लोअर। इसका मतलब रिवर्स बायस रहेगा, एन पे हायर है पी के कंपैरिजन में, तो रिवर्स बायस रहेगा। रिवर्स बायस रहेगा तो करंट क्या आएगा? जीरो। अगर VD मेरा नेगेटिव है तो जीरो करंट होगा आइडियल डायोड में। इसका तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। VD अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव वोल्टेज है, बिल्कुल नेगेटिव का मतलब इस पोलैरिटी की वोल्टेज नेगेटिव है, इस पोलैरिटी की वोल्टेज नेगेटिव है। इस पोलैरिटी की नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ऑपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज पॉजिटिव है, इसमें प्लस और इसमें माइनस है, इस तरह की वोल्टेज है। VD अगर मेरा नेगेटिव है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एनोड कैथोड बीच में से ओपन हो जाएगा, समझ आ गई? इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट बनेगा। आप देख सकते हो डीवी अपॉन डीआई इनफाइनाइट है। क्यों? वोल्टेज तो चेंज हो रही है बट क्या करंट चेंज हो रहा है? करंट का चेंज जीरो है तो डीआई इज जीरो, तो इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायोड जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं VD हल्का सा पॉजिटिव हो गया, हल्का सा भी पॉजिटिव हो गया, तो हम मानेंगे कि जो करंट है वो वेरी लार्ज फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो VD अपॉन R करोगे तो करंट कितना आएगा? वेरी लार्ज, इनफाइनिटली लार्ज। इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे आएंगे? बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हल्का सा पॉजिटिव कर देगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अगर VD मेरा पॉजिटिव है तो A और K के बीच क्या हो जाएगा? सॉल्व, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों भाई? क्योंकि चेंज इन करंट है, यहाँ पे करंट जरूर चेंज हो रहा है बट चेंज इन वोल्टेज जीरो है। हल्का सा वोल्टेज बिल्कुल थोड़ा चेंज किया, जीरो कह रहा हूँ, तभी करंट एकदम वेरी लार्ज होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, आर आपका इसका डायोड का जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो, शॉर्ट सर्किट। अगर फोर्ड बाय आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ भाई, आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ, समझ आ गई? अब जरा देखिए एक और चीज है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो आइडिया लेते हैं ना प्रैक्टिकल लेते हैं, प्योरली वो एक अप्रोक्सीमेशन और डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जरा देखिए क्या करते हैं वो, कुछ लोग ऐसा ज्यूम करते हैं कि भाई 0.7 वोल्ट के बाद डायोड कनेक्ट करना शुरू करते हैं प्रैक्टिकल में, तो क्यों ना मैं आइडियलिटी 0.7 से स्टार्ट करूं। मतलब 0.7 से पहले क्या है वो डायोड कैसे बिहेव कर रहे हैं? रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। जब VD की वैल्यू, ये वोल्टेज मेरी 0.7 से कम है तो रिवर्स बायस रहेगा, एक तरह से जीरो करंट आएगा। और 0.7 के बाद क्या करेगा? शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, समझ आया? इसको कहते हैं आइडियल एप्रोक्सीमेशन। कुछ लोग इस तरह ही फॉलो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं और हम ज्यादातर जगह पर ये फॉलो करेंगे। ठीक है, लोग भी ये फॉलो करेंगे, हम वो जो प्रैक्टिकल जो करेक्टरिस्टिक्स थी उसको नहीं देखेंगे, उसको हम ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, इसको हम ज़्यादा उठाएंगे।
0.7 से ज़्यादा कर दिया तो आपका इतना सही। सो उससे पहले ओपन, ठीक है भाई। ये मैंने बताया कि डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती, ठीक है जी, समझ रहे हैं आपको। तो डायोड जो है, अगर डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज है तो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, अगर 0.7 से ज़्यादा है तो। और अगर आइडियल ले रहे हो तो 0 वोल्ट से अगर ज़्यादा कर दिया वीडी को डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स कर दिया तो ओपन की तरह बिहेव। समझ आया अभी? चलिए, तो यहाँ पे मेरी करेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है डायोड के। थोड़ा सा जो मुझे समझाना था स्ट्रक्चर, वो भी मेरा खत्म होता है। अब इसके सर्किट्स पे आते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व करना सीखते हैं। तो आप लिखिए डायोड एज ए फंक्शन जनरेट, डायोड एज ए फंक्शन जनरेट, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं डायोड एज ए फंक्शन जनरेट, इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, तो मैंने आपको बताया कि वीडी के अकॉर्डिंग कैसे आपका डायोड कैसे कनेक्ट करता है। अगर वीडी पॉजिटिव होता है तो किस तरह से करंट फ्लो करता है, और अगर वीडी मेरा नेगेटिव है तो डायोड कैसे ब्लॉक करता है। हम आइडियल डायोड का लेके चलेंगे अंटिल अनलेस हमें बताया ना जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आ गई तो हम बोलेंगे कि डायोड कैसा है, शॉर्ट, और अगर नेगेटिव वोल्टेज आ गई तो हम डायोड को ओपन मानेंगे। जैसे कि देखिए, मैं एक बार एक मोमेंट के लिए आपको एक सर्किट से लेके चलता हूँ। मान लीजिए ये डायोड है, और मान लीजिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं वेरी कराने लग जाऊं, उसको वेरी कराने लग जाऊं, तो सुनो, जब पॉजिटिव वोल्टेज आएगी ना, दिस इज वीडी। अगर मान लीजिए मैं वीडी बोल दूं इसको, ये मेरी वीडी है, ये मेरी वीडी है, सुनिएगा, इसके अक्रॉस वीडी वोल्टेज मैंने लगाई है। अब इस वीडी की वैल्यू एक बार तो पॉजिटिव और एक बार क्या है, नेगेटिव टाइम लगा। तो आप मुझे आप कौन से केस में कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? जब ये वोल्टेज आएगी तो कंडक्ट करेगा, शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये वाली नेगेटिव वाला इसका मतलब क्या कर देगा, इसको ओपन कर, इसका मतलब केवल इस रीजन में कंडक्ट करेगा। जब डायोड मेरा फोर्ड बायस होगा देन ओनली डायोड कंडक्ट करेगा, अदरवाइज डायोड कंडक्ट नहीं करेगा आइडियल केस में। बट एक प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कि सर अगर प्रैक्टिकल केस ले लूं चाहे आइडियल केस ले लूं, अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होगी, मान लीजिए 1 वोल्ट होगी, 1 वोल्ट होने का मतलब है करंट डायोड में कितना जा रहा है, करंट तो वेरी लार्ज जा रहा है, क्या कहते हैं, वेरी लार्ज करंट जाएगा, तो क्या वो जला नहीं देगा डायोड, बिल्कुल जला देगा, सच्चाई तो यही है। अगर इतना ज्यादा लार्ज करंट डायोड में चला गया तो करंट जल जाएगा, फिर इतना जलता क्यों नहीं डायोड, कौन रोकता है उसके करंट, डायोड तो तैयार है, डायोड के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट आ गई, डायोड तो इतना करंट देने के लिए तैयार है। अब डायोड तो कभी भी ऐसे भरने लगाते हैं सप्लाई के अक्रॉस, एक डायोड लगा दिया सप्लाई, ऐसे भरना होता है कि सोर्स के अक्रॉस ऐसे डायोड लगा दिया, आगे कुछ लोड वगैरह कुछ तो लगाओगे, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह तो लगाओगे। अब मान लीजिए आपने ये किया, जरा देखिए, अब मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, अब बताओ, अब करंट को ये रोकेगा, ये तो बोलेगा कि मेरे अक्रॉस अगर कोई भी वोल्टेज आ जाएगी पॉजिटिव वोल्टेज, अगर मान लीजिए 0.7 से ज्यादा है तो मैं तो वेरी लार्ज करंट दे सकता हूँ, ठीक है। फिर ये बोलेगा रुको जी, मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट डाल दूंगा, समझ आया। तो इसका मतलब डायोड को जलने से कौन बचाता है, रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, शॉर्ट कर देता, और मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी होती तो क्या होता, 10 का 10 किसके अक्रॉस आता, डायोड के अक्रॉस। अब डायोड के अक्रॉस आता तो 10 वोल्ट के लिए करंट क्या होता, वेरी लार्ज, और ये जल जाता, समझ आया। इतना लार्ज करंट प्रैक्टिकल डायोड झेल नहीं सकता, तो इसलिए उसको कौन बचाता है, इतनी वोल्ट, एक तो इतनी वोल्ट आने देगा इसके अक्रॉस, 10 वोल्ट आने देगा, कौन, रजिस्टर, क्योंकि वो अपने अक्रॉस लेगा कुछ ना कुछ वोल्टेज, समझ रहे हो। और इसको बोलेगा, जरा देखो इसको क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मान लीजिए मैं 2 ओम, ध्यान से देखिए ये क्या बोलेगा, इसको डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी, ये बोलेगा मेरी वोल्टेज रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम, अब मेरे अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जो आ सकती है वो कितनी आएगी बताओ, 10 वोल्ट, तो करंट कितना आ सकता है ज्यादा, 5 एम्पीयर। 10 वोल्ट भी केवल तब आएगी जब इसमें ड्रॉप क्या हो, 0। इसका मतलब ये बोलेगा मेरे अक्रॉस मैक्सिमम 10 वोल्ट आ सकती है, और मैक्सिमम 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग मेरे में जो करंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5 एम्पीयर। अगर 5 एम्पीयर आप मेरे में से आ रहा है तो तुम्हारे में से भी 5 आएगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, तुम उतनी सेट करो बस, समझ आया। ये इसको ये नहीं बोलेगा कि 10 वोल्ट सारी जगह तुम्हारे अक्रॉस आएगी, ना ना, ये बोलेगा 10 वोल्ट अगर मेरे अक्रॉस आई तो 5 एम्पीयर आएगा, 5 एम्पीयर के हिसाब से तुम हिसाब लगा लो कि तुम्हारे अक्रॉस क्या वोल्टेज आनी चाहिए, उतनी वोल्टेज डायरेक्ट के अक्रॉस आ जाएगी, समझ आया।
हालांकि फिर उससे थोड़ा सा और कन्वेंशन बदल जाएगा, इसके अक्रॉस अगर कुछ वोल्टेज आ गई तो फिर यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ की वोल्टेज वेरी करेगी, आप समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली एक 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 पॉइंट सेट हो जाएगा जहाँ पर दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, दोनों ऑपरेट करेंगे, मतलब डायरेक्ट तो चलने नहीं देगा, सीधी बात ये समझ आया। कहीं आप ये सोचते कि डायरेक्ट के अक्रॉस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ठीक है, ये डायरेक्ट के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब प्रॉब्लम इज हम कभी भी इतनी वोल्टेज डायरेक्ट के अक्रॉस आने ही नहीं देते। जो करेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ी है कि सर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट होते तो करंट एकदम से लार्ज हो जाएगा, बिल्कुल लार्ज हो जाएगा, बट इतनी वोल्टेज हम डायोड के अक्रॉस आने ही नहीं देते, समझ आया। इतनी वोल्टेज हम अप्लाई करते ही, जैसे कि देखिए मेरे पास एक डायोड है, मैं एक डायोड दिखाता हूं, मेरे पास ये डायोड है जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये डायोड ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, आगे पढ़ोगे आप। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी समथिंग ऐसे कुछ होती है, अगर मैं इसके अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं डायरेक्टली, ये खराब हो जाएगी, एक ही बार चलेगी बस, और वो भी हल्के से मोमेंट के लिए, उसके बाद उड़ जाएगी, इसके अंदर का जो भी सर्किट है खराब खराब हो जाएगा। हाँ अगर मैं एक या दो वोल्ट लगाऊंगा, 3 वोल्ट लगाऊंगा तो क्या पता चल जाए, समझ आया, बट अगर 10 वोल्ट लगा दिया उड़ जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा सर्किट, ये सब दिखाऊंगा कि कैसे ये खराब होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बचाता है, लोड जो है वो बचाएगा उसको, समझ आया। और फिर भी मैं बता दूं ऐसा नहीं है कि लोड आप हर टाइम बचाएगा, अगर लोड की वैल्यू आपने बहुत छोटी रख ली, अब सुनिए सुनिए भाई, ऐसा नहीं है कि हर केस में बचाएगा, सुनो हर केस में लोड डायोड को बचाएगा, ऐसा केस नहीं, ऐसा कभी नहीं बने। मान लीजिए मेरा रेजिस्टेंस 0.5 है या मेरी 1 ओम, तो मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, 10 एम्पीयर, और 10 एम्पीयर से इसमें आग लग जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि इसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा, अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है तो इसका अपना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और 10 एम्पीयर की वजह से I2R इसमें लॉस होंगे, हीट लॉस होगी। अगर इसकी हीट लॉस जो इसके अंदर हो रही है वो इसकी जो रेटिंग है पावर रेटिंग अगर उससे ज्यादा होगी, जैसे बल्ब की रेटिंग 60 वोल्ट होती है ना, इसका मतलब 60 वोल्ट वो झेल सकता है, ऐसे ही डायोड की भी एक रेटिंग होती है पावर की रेटिंग, कि भाई इतनी पावर ये झेल सकता है। तो अगर वो जो 10 एम्पीयर आ रहा है उससे अगर इसकी पावर रेटिंग बढ़ गई, मतलब पावर की जो रेटिंग है उससे ज्यादा पावर लॉस अगर इसके अंदर हो गया, तो समझ लो डायोड उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर केस में लोड ही बचा के रखेगा इसको, लोड अगर छोटा है मान लीजिए तो आपको क्या हो सकता है, या लोड ज्यादा करंट ले रहा है मान लीजिए तो क्या होगा, लोड बड़ा है मान लीजिए ज्यादा करंट ले रहा है तो डायोड खराब भी कर सकता है, समझे आप। तो इसका मतलब इसलिए हम जो डायोड लगाते हैं सर्किट में वो लोड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, कि लोड में करंट डिमांड कितना होगा उसके अकॉर्डिंग डायोड चेक करते हैं हम लोग, कि डायोड कितनी करंट रेटिंग का हम लोग लगाते हैं, ठीक है, कितनी पावर रेटिंग का लगे, समझे आप। जैसे छोटे डायोड आते हैं बड़े डायोड आते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेक्टिफायर जो मैं यूज करता हूँ इसमें डायोड बड़े बड़े लगे हुए, छोटे मोटे डायोड लगे हुए, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो आप जो रेक्टिफायर जो आपका चार्जर होता है उसके अंदर जो डायोड लगे होते हैं वो छोटे छोटे गोल गोल लगे होते हैं, ठीक है, ये मोटे मोटे डायोड लगे हुए, ठीक है, यहाँ पे बड़े डायोड लगे हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे इतने बड़े लगाने की क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज यहाँ पे जो लोड लगा रहा था मैं उसकी जो लोड की रेटिंग है वो बहुत हाई एम्पियर है, कम से कम 10 एम्पियर या कम से कम 8 एम्पियर में निकाला जाता है, इसलिए मैंने ये मोटे डायोड लगाए, क्योंकि अगर वो वाले डायोड लगाते तो उड़ जाते इतने एम्पियर, समझ आया मेरा पॉइंट। तो इसलिए लोड के अकॉर्डिंग हम डायोड को सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सारा देखिएगा। तो मैंने बताया डायोड कब कंडक्ट करता है कब नहीं करता, और ये जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है ये तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स के लिए है, कभी भी सर्किट में डायोड लगाने के बाद हाई वोल्टेज कभी नहीं इसके अक्रॉस आने देंगे हम, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज डायोड के अक्रॉस आ गया तो करंट कितना जाएगा, वेरी लार्ज। और ये सिर्फ इस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स, केवल और केवल इस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और बताओ जरा, अगर मुझे करंट निकालना हो इस सर्किट में तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर ये जैसे दो ओम कई बार ये दिक्कत आती है, सर करंट कितना फ्लो करेगा अगर मेरे डायोड की ये करेक्टरिस्टिक्स है और रेजिस्टर मेरा ऐसा लगा हुआ तो करंट कैसे निकाल के देखिए, करंट कैसे निकाल देखिए कैसे निकालते हैं। करंट जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्या करते हैं, करंट दोनों में सेम ही है, अगर सेम करंट है R की करेक्टरिस्टिक्स और V की करेक्टरिस्टिक्स डायोड की करेक्टरिस्टिक्स दोनों को सेटिस्फाई करेगा। माने इसका मतलब क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आप 10 वोल्ट मान लेते हो इसके पास, तो करंट कितना आएगा,
पांच, अब पांच एम्पियर क्या करो अकॉर्डिंग, पांच एम्पियर अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करो उसकी तो कुछ वोल्टेज होगी, इसका अंदर मान लीजिए 0.8.9 वोल्ट होगा। अगर इसके अंदर 0.9 वोल्टेज है तो यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं होगा, कितना होगा बताओ 9.1 वोल्ट, और 9.1 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट कितना आएगा 4.5 करंट आएगा। अब 4.5 के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे वोल्टेज बदलेगी, और यहाँ की वोल्टेज बदलेगी तो फिर यहाँ की वोल्टेज बदलेगी, फिर करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो फिर से डायरेक्ट के अक्रॉस वोल्टेज बदलेगी। तो अंडर स्टडी स्टेट क्या वोल्टेज होगी फिर, ये कैसे निकालो अंडर स्टडी स्टेट क्या वोल्टेज होगी डायरेक्ट के अक्रॉस, इसमें कितना करंट जाएगा, ये तो ऐसे तो चलते जाएंगे तो बदलती रहेगी वोल्टेज, सही बात है। तो फिर कैसे चेक करेंगे कि क्या वोल्टेज आएगी क्या करंट आएगा, जरा देखो मैं जानता हूँ दोनों में आई करंट फ्लो कर रहा है, मैं जानता हूँ इसमें और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं केवीएल लगाऊं तो जरा देखो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी 10 माइनस, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होती है वीडी, वो कैसे निकालो, इसकी जो रिलेशन है आई इज इक्वल टू, क्योंकि करंट इसमें आई है, आई इज इक्वल टू आई एस ई की पावर वीडी अपॉन थीटा वीडी, और 1 को नेग्लेक्ट कर दो कोई बात नहीं, माइनस 1 होता ना वैसे तो, बट 1 के कंपैरिजन में बड़ा आएगा, काफी बड़ा होता है क्योंकि नीचे मिली वोल्ट है, आप सोचो तो मिली का जो 10^3 है वो ऊपर चला जाएगा, और उससे एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या आएगी वो ज्यादा आएगी, तो इसलिए मैं वो -1 जो था उसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई ऐसे था ना यार, तो ये जो वैल्यू आएगी 1 के कंपैरिजन बहुत बड़ी आएगी, इसलिए मैंने नेग्लेक्ट कर, तो यहाँ से वी डी क्या आएगा, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें वी डी इज इक्वल टू ईटा वी डी एल एन आई अपॉन आई एस, ये आएगा ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी। तो अब केवीएल लगाओ 10 माइनस ईटा वी डी एल एन आई अपॉन आई एस -2i इक्वल टू 0, ठीक है ये रिलेशन बन। अब ये देखना है कि आई कितना करंट आई आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अब ये कैसे ले इसको सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व कैसे करें, ये तो मुसीबत है, ये सोल्व नहीं हो सकता, इसके लिए हमें फिर नए रूल चाहिएंगे, और वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में, ठीक है न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है बाइसेक्शन मेथड, वो जो आपके जो हाइड्रेशन होती है उनसे सोल्व हो गए, ठीक है भाई समझा, उनसे हम सोल्व करेंगे, ये ऐसे सोल्व नहीं हो गए, नॉन लीनियर है समझा, तो उससे एक हमारे पास करंट आ जाएगा आई, और करंट अगर आया तो वो करंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे उससे क्या आ जाएगा, उससे वी डी आ जाएगा हमारे पास, समझा क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी वोल्टेज निकलेगी, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लेके चलूँ तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए, अगर मैंने इसको प्रैक्टिकल ले लिया और अगर ये रिलेशन में फॉलो करवाने लग गया तो मेरे लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना और करंट निकालना सर्किट में मुसीबत हो जाएगी, अगर मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया है कोई भी वोल्ट अप्लाई करूंगा, समझ आया। तो इसलिए हम इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि या तो इसको आइडियल मान लो, ठीक है या तो इसको आइडियल मान लो कि भाई 0 से ज्यादा अगर वोल्ट होगी तो कंडक्ट करेगा, अगर नहीं इसके अक्रॉस वी डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो शॉर्ट कर दो, वी डी की वैल्यू नेगेटिव है तो ओपन कर दो, ठीक है ये अजम्पशन लेके चलते हैं, या फिर ये अजम्पशन लेके चलते हैं वी डी की वैल्यू जब तक 0.7 से ज्यादा नहीं होगी तब तक ये ओपन रखो, और जैसे 0.7 से ज्यादा होगी इसको क्या कर दो शॉर्ट कर, समझा। इसलिए डायरेक्ट इस चीज से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है अप्रोच है, क्योंकि ये बहुत लेंथी जाएगा हमारी, ठीक है समझ आया मेरा पॉइंट मैं क्या करने जाता हूँ। तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन जो आइडियल मैंने बताया उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है तो क्या करें वीडी की जो वैल्यू आएगी वो भी याद कर लेते हो, कौन सी वैल्यू, ये वाला रिलेशन नहीं उसके नीचे वीडी की वैल्यू, ये ना ये याद रखो ना, उससे ये याद अपने आप, और याद भी क्या कर लेते और भूल जाओ अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है कई बार यूज करने वाले हैं तो बहुत बार हम यूज करेंगे तो अपने आप याद रखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सुनिए भाई आज की क्लास में मैंने सिर्फ इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की है, ठीक है डायोड की, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सर्किट लूंगा, डायोड एज ए फंक्शन जनरेट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।